6, 5, 4, 3, 2, 1. वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो ऑफ द हैप्पी प्रिंस। दिस इज़ पार्ट सेकेंड। मैंने आपको पिछली वीडियो में 12 क्वेश्चंस तक करा दिए थे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मुझे इसका पार्ट टू भी लेकर आना पड़ा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद उस पार्ट पर आइए, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में ईजीली रहेगा। और अगर आपने पहले ये पार्ट देख लिया है तो कोई बात नहीं, दूसरे पार्ट को बाद में देख लीजिएगा। बिना देर करिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। और उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास, सेक्शन और स्कूल ज़रूर लिखें। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्ड एज अ लिटिल सैलो वॉज गोइंग टू स्लीप। उस समय क्या हुआ जब लिटिल सैलो सोने की तैयारी कर रहा था। आपको पता है लिटिल सैलो मिस्र जा रहा था, परंतु वह थक गया था और अपने दोस्तों से पीछे रह गया था। उसके दोस्त मिस्र पहले पहुंच गए थे, वो धीरे धीरे उड़ान उड़ रहा था और लिटिल सैलो के पोल पर आके बैठ गया। और जब वो वहाँ सोने की तैयारी कर रहा था तो उस समय क्या हुआ। ऑप्शन देखते हैं। अ कूल ब्रीज ब्लो, एक ठंडी हवा चली। द क्लाउड्स थंडर, बादल गरजे। ऑप्शन सी, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। द स्टैचू बिगिन टू शेक, यह स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो हिलने लगा। अगर आपने ये डिटेल में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर बहुत ईजीली पता होगा। एंड इट्स आंसर इज येस, ऑप्शन सी, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, यानी एक बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉज द लिटिल सैलो गोइंग। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था लिटिल सैलो कहाँ जा रहा था, इसका आंसर तो आप इजीली दे ही देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी मैम की, तो इसलिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ऑप्शन ए टू इजिप्ट, ऑप्शन बी टू इंडिया, ऑप्शन सी टू साइक्लोन, ऑप्शन डी टू सीरिया। इट्स आंसर इज सो ईजी, सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन वट एवर इट्स आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डेट इज़ आंसर ऑप्शन ए टू इजिप्ट, यानी वह इजिप्ट यानी मिश्र जा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वॉट वॉज द बॉडी ऑफ द हैप्पी प्रिंस ग्लाइडेड विद, यानी जो हैप्पी प्रिंस की जो बॉडी थी, जो स्टैचू थी, वो किससे भरी हुई थी। ए फ्लावर्स, फूलों से। बी सिल्वर लिप्स, चांदी की पत्तियों से। ऑप्शन सी थिन लिप्स ऑफ ब्रास, यानी पतली पतली ब्रास की पत्तियों से, या फिर ऑप्शन डी थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गिल्डेड का मतलब होता है उसके ऊपर लगा होना, या हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी या किस चीज़ से कवर थी। एंड इट्स ऑप्शंस एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। जो स्टैचू थी हैप्पी प्रिंस की वो पतली पतली सोने की पत्तियों से ढकी हुई थी, उसी से पूरी कवर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपन्स व्हेन द सैलो डाइज। उस समय क्या हुआ जब सैलो मर गया। ऑप्शन ए लीडन हार्ट ऑफ प्रिंस वॉज ब्रोकन इन टू टू पीसेस, जो प्रिंस था उसका शीशे का दिल दो भागों में टूट गया। ऑप्शन बी प्रिंस क्राइड, प्रिंस चिल्लाने लगा। ऑप्शन सी प्रिंस स्माइल, प्रिंस मुस्कुराया। डी प्यूपल क्राइड, या लोग चिल्लाने लगे। सभी को पता है ना जब लिटिल सैलो मरा था तो क्या हुआ था। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज ब्रोकन इन टू टू पीसेस, यानी जो प्रिंस था उसका हृदय दो भागों में
टूट गया क्योंकि वो शीशे का बना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड द सेलो डाइड, सेलो कहाँ मरा था? ऑप्शन ए इन द सिटी, शहर में, ऑप्शन बी अंडर द फाउंटेन, फवारे के नीचे, ऑप्शन सी एट द फिट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के पैरों के पास, या ऑप्शन डी इन ए हाउस, एक घर में। तो आप सब बताइए इसका आंसर। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी एट द फिट ऑफ द स्टैचू। जो अबाविल नाम का पक्षी था, सैलो था, वो स्टैचू के पैरों में गिरकर मर गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड सैलो डू टू बी विद द हैप्पी प्रिंस, सैलो ने हैप्पी प्रिंस के साथ रहकर क्या किया? ऑप्शन ए हेल्प हिम फ्लाइंग हियर एंड देयर, उसकी इधर उधर उड़ने में मदद की। ऑप्शन बी स्टॉप फ्लाइंग टू डिस्टेंस प्लेस, यानी थोड़ी दूर तक उसके साथ उड़ा। ऑप्शन सी सेक्रीफाइड हिज ट्रिप टू इजिप्ट, अपनी ट्रिप को, इजिप्ट जाने वाली ट्रिप को उसने सेक्रीफाइस कर दिया, या ऑप्शन डी ऑल, या सब कुछ। बताइए, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इट्स आंसर इज यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी सेक्रीफाइड हिज ट्रिप टू इजिप्ट, उसने इजिप्ट जाने वाली अपनी यात्रा को सेक्रीफाइस कर दिया, स्थगित कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई वर प्रिंस एंड द सोलो सो प्रीसियस, प्रिंस और सैलो बहुत ज़्यादा मूल्यवान क्यों थे? आपको पता है लास्ट में जब हैप्पी प्रिंस की स्टैचू ख़राब हो गई थी और अबाविल पक्षी मर गया था, तो वहाँ के मेयर ने उनको कूड़े में फेंक दिया था, परंतु जो गॉड थे, उनके एंजल ने जब शहर की सबसे मूल्यवान वस्तु को मंगाया, तो वह एंजल उस हैप्पी प्रिंस के दिल को और सैलो की बॉडी को लेकर आया। इसीलिए ये क्वेश्चन आया है, तो आपको बताना है कि ये दोनों चीज़ें, ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फिशनेस, उनकी दयालुता और स्वार्थपरता के वजह से, बिकॉज ऑफ देयर सर्विस, उनके काम की वजह से, बिकॉज दे हैड मैनी पजेशंस, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अधिकार रखते थे, या फिर ऑप्शन डी देवर रिच। तो इसका आंसर बहुत ईजी है और सभी को पता है, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, यानी जो अबाविल पक्षी था, उसने अपना जीवन राजकुमार के कार्य को समर्पित कर दिया, और राजकुमार ने अपने पूरे शरीर को, जो उसकी सुंदरता थी, वो भी गरीबों को दान कर दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड द हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स, राजकुमार ने अपनी सारी चीज़ें दूसरों को क्यों दे दी? ऑप्शन टू इरेडिक्ट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम द सिटी, यानी अपने शहर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए, टू शो हिज पावर, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, या टू शो हिज रिचनेस, अपनी अमीरी दिखाने के लिए, या ऑप्शन डी नन, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी एक्सप्लेनेशन से ही आधे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाता होगा, और रही सही कसर, ये चित्र पिक्चर पूरा कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको एग्ज़ाम में ना कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ना कोई इमेज मिलेगी, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह रेडी करिए और समझिए। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझाने के लिए देती हूँ, और इमेजेस भी इसीलिए दी जाती हैं कि आप क्वेश्चंस को डिटेल में समझ सकें। तो इसका आंसर है टू इरिडेक्ट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम द सिटी, यानी अपनी सिटी से सोरो और दुख और परेशानी को हटाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई वाज द सोलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट, सैलो पक्षी जो था वो इजिप्ट जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ? बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम विलाइन, कि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया था, बिकॉज ऑफ काइंडनेस ऑफ हैप्पी प्रिंस की दयालुता को देखकर, बिकॉज हैप्पी प्रिंस वुड बी अलोन, हैप्पी प्रिंस अलोन रह जाता, या फिर ऑप्शन डी नन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। एंड बेस्ट आंसर इज यस ऑप्शन ए, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम
ब्लाइंड, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया था और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड द सेलो नोटिस व्हाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी? सिटी के ऊपर उड़ते हुए सेलो ने क्या नोटिस किया? ऑप्शन ए, फ्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, यानी गरीबों की दुर्दशा और अमीरों का लालच। ऑप्शन बी, मैनी पीपल देयर एंड देयर फ्लाइट, बहुत सारे लोगों को और उनकी दुर्दशा को। ऑप्शन सी, मैनी पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोगों को। या ऑप्शन डी, मैनी बेस थिंग, यानी बहुत ज़्यादा बेस थिंग को। तो बताइए, जब प्रिंस ने अबाबिल से उसके शहर का चक्कर लगाने के लिए, उसके शहर की चीज़ों को देखने के लिए बोला था, तो अबाबिल ने क्या नोटिस किया? इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, फ्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, यानी गरीबों की दुर्दशा और अमीरों के लालच को उसने नोटिस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हुम डिड प्रिंस सेड द सैफायर टू? प्रिंस ने अपना जो सैफायर था वो किसको भेजा? ऑप्शन ए, मैच गर्ल्स एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, माचिस बेचने वाली लड़की को और एक जवान नाटककार को। ऑप्शन बी, पुअर लेडी, गरीब महिला को। ऑप्शन सी, अ बैगर, एक भिखारी को। या ऑप्शन डी, नन। सबको पता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, यानी मैचेस बेचने वाली लड़की को और जवान नाटककार को। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, होम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू? हैप्पी प्रिंस ने रूबी को किसको भेजा? सीमस्ट्रेस, अ पुअर वूमेन, दर्जिन, एक गरीब महिला, ए मैन, एक आदमी को, अ बैगर, एक भिखारी को, या डी, सैलो, या सैलो को, अबाबिल को। बताइए इसका राइट आंसर। यस, एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीम स्ट्रेस अ पुअर वूमेन, एक गरीब महिला दर्जी को उसने अपनी रूबी को अबाबिल के हाथों से भेजा। नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी? हैप्पी जो प्रिंस था वो हैप्पी क्यों कहलाता था? बिकॉज ही नेवर क्राइड, क्योंकि वह कभी नहीं रोता था। बिकॉज ही वॉज वेरी लक्की, कि वह बहुत सौभाग्यशाली था। बिकॉज ही हैड एवरी थिंग, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। ऑप्शन डी, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, क्यों? क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और खुशियों के राजमहल में रहता था। तो सभी को पता है इसका आंसर, बिना देर करे इसका आंसर बताएंगे, और इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वह एक महल में रहता था और महल में उसके पास सारी खुशियाँ थी। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, इसीलिए उसके जो दरबारी थे वो उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और इन्हें अच्छी तरह से लर्न करें, क्योंकि NCERT CBSE ने अब अपने सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको MCQ बेस पे ही मिलेंगे। इसके लिए आपको चैप्टर को डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको इस चैप्टर के MCQ भी लगानी है। इन्हें वीडियो को एक से दो बार देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें 9th क्लास की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, चाहे वो डिटेल हो चाहे वो MCQ हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय।
Oh.